आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संदीप उर्फ काला जटेड़ी कौन है, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नाम अभी चर्चा में क्यों है। दरअसल 4 और 5 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी और उसका एक साथी सोनू महाल बुरी तरह से घायल हो गया था। इस पूरी वारदात में शामिल होने के आरोप में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार समेत 7 लोग फिलहाल पुलिस की शिकंजे में हैं। इस गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं और सुशील कुमार के कई अपराधियों के साथ रिश्ते सामने आए हैं और इन्हीं में से एक नाम है गैंगस्टर काला जठेड़ी का। 2 बार ओलंपिक पदक जीतकर शोहरत पाने वाले पहलवान सुशील कुमार के साथ जुड़ने की वजह से ही गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम फिलहाल सुर्खियों में है। इस तस्वीर में पहलवान सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई प्रदीप के साथ नजर आ रहा है। साल 2019 में जब प्रदीप की शादी हुई थी तब भी सुशील पहलवान उस शादी में शामिल हुआ था। इतना ही नहीं, गैंगस्टर काला कुछ महीनों पहले तक सुशील पहलवान का खासम खास था, लेकिन सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक गाँव है जठेड़ी, यहीं पर जन्म लेने वाला संदीप अपराध की दुनिया में आने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी बन गया। 12वीं तक पढ़ाई करने वाला संदीप उर्फ काला जठेड़ी सबसे पहले केबल ऑपरेटर की नौकरी करता था और इस केबल ऑपरेटर ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो वो उस दलदल में धंसता ही चला गया और आज इसका गैंग देश के 6 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और इस वक्त काला जठेड़ी ही गिरोह का जिम्मा संभाले हुए है। लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने एक बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं। काला जठेड़ी लूट, हत्या और एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों मामलों में वॉन्टेड है। वो इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि जिसके ऊपर अकेले हरियाणा में 7 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इस गैंग ने दिल्ली में ही लगभग 1 दर्जन हत्या की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल ये गैंगस्टर देश से बाहर रहकर अपना गैंग चला रहा है। सुशील कुमार पर जिस सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा है उसी के साथ जिस दूसरे पहलवान पर जानलेवा हमला हुआ था उसका नाम है सोनू महाल और कहा जाता है कि काला जठेड़ी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में गिरोह चलाने का जिम्मा सोनू महाल को ही सौंप रखा था। सोनू महाल रिश्ते में उसका भांजा भी है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर एक फ्लैट है। इस फ्लैट में सोनू महाल और काला जठेड़ी गैंग के दूसरे सदस्य रुकते थे। इसी फ्लैट को लेकर काला जठेड़ी और सुशील में मतभेद हो गया था, जिसके बाद सुशील कुमार को काला जठेड़ी के विरोधी और जेल में बंद नीरज बवाना गैंग का साथ मिल गया। आरोप यह है कि उन्हीं के साथ मिलकर पहलवान ने सागर धनखड़ की पिटाई कर दी जिसमें उसकी मौत हो गई। सागर धनखड़ की हत्या वाली रात सोनू महाल भी बुरी तरह घायल हो गया था। अपने भांजे पर हुए जानलेवा हमले की वजह से आज काला जठेड़ी पहलवान सुशील कुमार का दुश्मन बन गया है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं है। कुछ समय पहले तक दोनों एक दूसरे के खास थे। संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ सुशील कुमार के रिश्ते कैसे थे इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये एक शादी समारोह की तस्वीरें हैं और जिसकी शादी हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर काला जठेड़ी का छोटा भाई प्रदीप है। इस शादी में शामिल होने के लिए पहलवान सुशील कुमार को भी बुलाया गया था। इन तस्वीरों में वो जठेड़ी के भाई प्रदीप के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो साल 2019 का है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी उस समय जेल में था और जेल से ही अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए गया था। पुलिस खुद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच वहां लेकर गई थी। उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी शादी के पकवान चखे और हुक्के के कश भी लिए। इस शादी में खुलेआम हथियारों की नुमाइश भी की गई थी और हवाई फायरिंग भी। खबरें ये भी हैं कि सुशील पिछले कई सालों से काला जठेड़ी के संपर्क में था और उनके लिए एक सफ़ेदपोश सहयोगी की तरह काम कर रहा था और पुलिस से जुड़े मामलों को सुलझाने में भी उनकी मदद करता था। काला जठेड़ी जमीन हड़पने, विवादित संपत्ति खाली करवाने और वसूली के काम में भी सुशील की मदद लेने लगा था।
सुशील कुमार कारोबारियों के फ़ोन नंबर जठेड़ी को मुहैया कराता था, उसके साथ ही धमकी देने का काम करते थे और बाद में सुशील ही उन कारोबारियों का समझौता जठेड़ी गैंग से करवा देता था और इन सब के बदले उसे मोटी रकम मिलती थी। फरवरी 2020 में गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर फरीदाबाद गई थी। यहाँ एक मुकदमे को लेकर अदालत में उसकी पेशी होनी थी। फरीदाबाद से वापस लौटते समय जठेड़ी के साथियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसे भगाकर ले गए। तभी से पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन एक साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी आज तक वो पकड़ में नहीं आया है। काला जठेड़ी विदेश में बैठकर आज भी अपने धंधे को बड़े आराम से चला रहा है। आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपराध की ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।